हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कल के लेक्चर में मज़ा आया होगा। आज उसी के आगे बीएससी सेकंड ईयर बीएससी टू डाइजेस्टिव सिस्टम, और कल का जो लेक्चर हमारा हुआ था आज उसके आगे हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। कल हम लोगों ने बक्कल कैविटी के बारे में पढ़ लिया था। बक्कल कैविटी के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ लिया था, और आप बक्कल कैविटी से हम आगे चल रहे हैं। और बक्कल कैविटी के पीछे का जो पोर्शन होता है, यानी कि बक्कल कैविटी अपने पीछे की तरफ जिस चैम्बर में घूमती है, दैट इज नोन एज फैरिंग्स। ध्यान दें कि फैरिंग्स एक ऐसा पार्ट है जिसमें आपके दो चैम्बर होते हैं। एक तो नेसल चैम्बर, इंटरनल नेरिस से फैरिंग्स में ओपन होता है, और ये जिस पार्ट में ओपन होता है, दैट पार्ट ऑफ फैरिंग्स इज नोन एज नेसो फैरिंग्स। यू कैन सी इन दिस डायग्राम हियर, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको मालूम है कि आप नाक से सांस लेते हैं तो जो एयर है वो किस रास्ते नेसल वेस्टिब्यूल में प्रवेश करता है, यहाँ से ये नेसल चैम्बर में आता है, नेसल चैम्बर से होकर हवा यहाँ पर आ जाती है। नाउ दिस पार्ट ऑफ द फैरिंग्स वेयर द एयर कम्स इज नोन एज नेसो फैरिंग्स। फिर इसके बाद अगर आप देखें, भोजन जो आप करते हैं वो आपके माउथ से होकर बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी से होकर के फिर ये फैरिंग्स में आता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप सांस लेते हैं तो हवा आपके नॉस्ट्रिल से होकर के, कहाँ से? नॉस्ट्रिल से होकर के सबसे पहले नेजल वेस्टिब्यूल में आती है, फिर वहाँ से नेसल चैम्बर में जाती है, नेसल चैम्बर से ये इंटरनल नेरिस से निकल करके जिस चैम्बर में प्रवेश करती है, दैट इज नोन एज फैरिंग्स, एंड दिस पार्ट ऑफ फैरिंग्स इज नोन एज नेसो फैरिंग्स, राइट। अब जो भोजन आप करते हैं फूड, वो कहाँ जाता है? ये आपके माउथ में आता है। माउथ से होकर के ये कहाँ जाता है? माउथ से होकर के ये बक्कल कैविटी में आता है, बक्कल कैविटी से होकर के ये आपके फैरिंग्स में आता है, और यहाँ से फिर आगे ये पास होता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो फैरिंग्स है, इट इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एज वेल एज एयर बोर। यू कैन सी इन द डायग्राम, यहाँ से देखेंगे तो हवा फैरिंग्स के जिस पार्ट में आ रही है, दैट पार्ट ऑफ द फैरिंग्स इज नोन एज नेसो फैरिंग्स। नेसो फैरिंग्स आगे चल करके ये दो में डिवाइड होगा। कौन कौन सा पार्ट? एक पार्ट इसका है लैरिंजो फैरिंग्स, इसको हम एलवी लिख रहे हैं, इट इज द लैरिंजो फैरिंग्स, एंड दिस पार्ट इज नोन एज ओरो फैरिंग्स, ओपी। यानी कि नेसो फैरिंग्स आगे चल करके दो में डिवाइड हो गया। एक वो जो कि हवा के लिए लैरिंग्स वाले रीजन में खुलता है, इट इज नोन एज लैरिंजो फैरिंग्स, और दूसरा पार्ट इसका वो जो फूड को रिसीव करता है, एंड दिस पार्ट ऑफ द फैरिंग्स इज नोन एज ओरो फैरिंग्स। इन दिस चैप्टर वी आर कंसर्न विद द पैसेज ऑफ द फूड ओनली, नॉट फॉर एयर। वी विल डिस्कस एयर इन नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज। इनके बारे में हम बात करेंगे, यानी रेस्पिरेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे। आज हम चूंकि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वी आर कंसर्न विद द पैसेज ऑफ द फूड। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि भोजन जो हमने लिया वो हमारे माउथ से बक्कल कैविटी में आया, बक्कल कैविटी से होकर के ये पीछे की तरफ फैरिंग्स में आया, और नेसो फैरिंग्स दो में डिवाइड हो गया है। नेसो फैरिंग्स का वो पार्ट जिधर से एयर जाएगा वो और लैरिंजो फैरिंग्स है, हमें अभी आगे से नहीं पढ़ना है। इसका जो दूसरा पार्ट है वो आपका ओरो फैरिंग्स है, ओपी, और इधर से भोजन जाता है, राइट। फैरिंग्स में भी दो ओपनिंग है, मतलब है एक रेस्पिरेटरी पैसेज के लिए विंड पाइप, जिसको हम ट्रेकिया कहते हैं, और ट्रेकिया यहाँ पर खुलता है किससे? ग्लॉटिस के द्वारा। ट्रेकिया ओपन्स हियर इन बक्कल कैविटी टू द फोर, इट इज नोन एज ग्लॉटिस, और इसके ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ होता है, एंड दैट लिड इज नोन एज एपी ग्लॉटिस। ये कार्टिलेज का बना होता है, एपी एपी ग्लॉटिस। तो एपी ग्लॉटिस इस ढक्कन को बंद रखता है, इसको ग्लॉटिस, और ये खुलता तभी है जब एयर इधर से पास होता है। और जो दूसरा ओपनिंग है यहाँ पर, वो उसको फैरिंग्स की है जो फैरिंग्स में खुल रही है, एंड टू इट्स फोर, एंड दिस फोर इज नोन एज गलेट। हम इस फोर को गलेट कहते हैं। गलेट से होकर के भोजन ओसो फैरिंग्स से होकर के ये आगे पास होता है, राइट। तो इस तरीके से नेसो फैरिंग्स
बाई पार्टाइट हो जाता है। एक चैम्बर इसका होता है जिसको हम बोलते हैं, इसका एक चैम्बर होता है जिसे हम लैरिंजो फायरिंग बोलेंगे, इधर से हवा जाएगी, ओरो फायरिंग इधर से भोजन जाएगा। हम फूड को लेकर के गलेट में एंटर कर रहे हैं, गलेट से वो करके ये हमारा फूड पाइप है, दैट इज नोन एज एसोफेगस। दो प्रकार के पाइप हैं, द पाइप फॉर एयर इट इज नोन एज एयर पाइप और ट्रेकिया। इसकी ओपनिंग बकल कैविटी में ग्लॉटिस के थ्रू होती है, इट इज कवर्ड विद अ कार्टिलेजनस लिड इट इज नोन एज एपिग्लॉटिस। जब आप हवा अंदर नहीं ले जा रहे होते हैं, सांस नहीं ले रहे होते हैं, उस समय एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को बंद रखता है। जिस समय आप भोजन निकल रहे होते हैं, एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को बंद रखता है, क्योंकि कहीं को भोजन का जो कण है, जो टुकड़ा है फूड का, फूड पार्टिकल आपके ग्लॉटिस से एंटर करके ट्रेकिया में पहुंच जाता है। यह एक प्रकार का रिफ्लेक्स एक्शन होता है व्हेन यू आर स्वॉलोइंग द फूड मटेरियल। When you are swallowing, the process is known as deglutition. तो जिस समय आप भोजन को निगल रहे होते हैं, आपका यह एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को बंद कर देता है। मैकेनिज्म क्या होता है हम swallowing में आपको बताएंगे। It is a kind of reflex action. Automatically, epiglottis, जो कि हाइलिन कार्टिलेज का बना हुआ होता है, ये इस मुख को बंद कर देता है ताकि फूड पार्टिकल ट्रेकिया में ना जाए। अब ये भोजन जब वहाँ नहीं जाएगा तो आगे बढ़ेगा और ये प्रवेश करेगा ओरोफेरिंग्स वाले रीजन में और वहाँ से गलेट से होता हुआ ओसोफेगस में पास हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फेरिंग्स के बारे में कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं, इनको आप जानिए। वन बाई वन, पोस्टीरियर रीजन ऑफ द बक्कल कैविटी, इट इज द पोस्टीरियर रीजन ऑफ द बक्कल कैविटी। कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, इस पर क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि विच ऑर्गन इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर बोथ, तो यू हैव टू राइट इट इज द फेरिंग्स, राइट। अब इसके बाद कह रहे हैं साहब, ये जो नेसोफेरिंग्स होता है, इट इज द पार्ट ऑफ द फेरिंग्स विच रिसीव्स द एयर फ्रॉम नॉस्टिल्स एंड हियर इट अगेन डिवाइड्स इनटू टू पार्ट, द लैरिंजोफेरिंग्स इट इज फॉर द पैसेज ऑफ एयर एंड ओरोफेरिंग्स इट इज फॉर द पैसेज ऑफ फूड। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज एयर पासिंग थ्रू द लैरिंजोफेरिंग्स ग्लॉटिस एंड ट्रेकिया एंड हियर द फूड पासिंग थ्रू ओरोफेरिंग्स गलेट एंड ओसोफेरिंग्स, राइट। अब यहाँ से अगर हम देखें तो कह रहे हैं कि कोई भी डाइजेस्टिव जूस फेरिंग्स के रीजन में सेक्रेट नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू हैव टू मेंशन हियर, द फेरिंग्स डज नॉट सेक्रेट एनी काइंड ऑफ डाइजेस्टिव जूस, राइट। इसमें किसी भी प्रकार का डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता इसके सेक्रेशन में, केवल इसकी जो सरफेस इसका होता है, इट इज कोटेड विद म्यूकस टू कीप द सरफेस मॉइस्ट लुब्रिकेटेड फॉर द सेफ पैसेज ऑफ द फूड मटेरियल। फेरिंग्स का जो सरफेस होता है गीला होता है और ये म्यूकस कोटेड होता है, ठीक है। यहाँ से फूड केवल सरफेस चिकना होता है कि भोजन सर्व कर आगे बढ़ जाए, ठीक है। फिर इसके बाद आगे देखेंगे तो कह रहे हैं कि साहब फेरिंग्स होता है इसमें किसी भी प्रकार का ना तो डाइजेशन होता है और ना ही किसी प्रकार का एब्जॉर्प्शन होता है, और इस पर्पज से फेरिंग्स की जो वाल होती है उसकी जो इनर मोस्ट लेयर है इसकी बनावट भी उसी प्रकार की होती है। हम इसकी हिस्टोलॉजी में डिस्कस करेंगे, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में आपको हम बताएंगे कि किस प्रकार की सेल्स यहाँ पर पाई जाती हैं, इसकी लेयर में कौन सा एपिथेलियम इसका निर्माण होता है, राइट। इट वाज ऑल अबाउट द फेरिंग्स। कुल मिला के लवर हुआ, अगर आप देखें तो फेरिंग्स में ये कॉमन पैसेज है फूड का और हवा का, इसमें किसी भी प्रकार का डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट नहीं होता है एक्सेप्ट द म्यूकस। म्यूकस इसके सरफेस को गीला रखता है और यहाँ से भोजन सेफली पास होता है, ठीक है। और अब इसके बाद हम चलेंगे और बात करेंगे किस पर, ओसोफेगस, दैट इज आल्सो नोन एज द फूड पाइप। हमारा जो भोजन है वो सरक कर कहाँ पहुँच गया, वो ओसोफेगस में पहुँच गया है। ओसोफेगस के यहाँ से स्टार्ट करके अब हम आगे चलेंगे, ठीक है। अब इसे
अब अगर आप उसको फैगस और ट्रैकिया का संबंध देखें यहाँ पर, this one is the glottis, इसके ऊपर ये एक लीड होता है, दिस लीड इज नोन एज एपी ग्लॉटिस। अब अगर हम देखें तो जो ट्रैकिया होता है, ये ट्रैकिया का जो प्रोफाइल होता है, अगर इसका हम ट्रांसवर सेक्शन का प्रोफाइल देखें तो यू विल सी दैट दिस इज सी से, ये सी के आकार का होता है, ये इसका एंटीरियर साइड होता है और ये इसका पोस्टीरियर होता है। दिस वन इज द एंटीरियर साइड एंड दिस वन इज द पोस्टीरियर साइड, ये पोस्टीरियर। क्योंकि जब हम खड़े तो हमारे आगे का हिस्सा ये जो होता है, ये क्या है, ये एंटीरियर साइड है और पीछे की तरफ क्या है, पोस्टीरियर है। तो ट्रैकिया आगे से तो कंप्लीट होता है, आगे से कंप्लीट होता है, लेकिन पीछे की तरफ क्या होता है, ये कर्व्ड हो जाता है, मतलब कंप्लीट स्फेरिकल नहीं होता और ये सी के आकार का होता है। ऐसा इसलिए कि पोस्टीरियर साइड पर इसको क्या करना है, इट हैज टू एकोमोडेट द ओसोफैगस इन इट्स ग्रूव। तो अंदर पीछे की तरफ जो ग्रूव बनता है सी शेप में, उसी में ओसोफैगस को ये एकोमोडेट करता है। आप डायग्राम से देख सकते हैं, वेरी द ओसोफैगस, दिस वन इज द This one is the ossophagus. You can see here. This pipe is ossophagus. और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इसका जो ये इसकी opening. Now this opening is known as the lip. You can write here this one is ossophagus. This one is the ossophagus and this one is gullet. ध्यान रहे कि ट्रैकिया की जो ओपनिंग है ग्लॉटिस, जो मतलब में मतलब कैविटी में खुल रही है, फैरिंक्स में खुल रही है, इस पर एक लीड होता है जिसको हम एपी ग्लॉटिस कहते हैं। तो यहाँ तो एक ढक्कन है, आप यहाँ पर कोड देख पा रहे हैं, लेकिन गलेट पर अगर आप देखें तो किसी भी प्रकार की कोई भी लीड नहीं है, किसी प्रकार का कोई यहाँ पर इसको कवर करने वाला स्ट्रक्चर नहीं है, ये डायरेक्ट ओपनिंग होती है, ठीक है। अब फूड मटेरियल जो है जो यहाँ से आ रहा है, आप देखें अगर एयर को आना है तो वो इधर से आना चाहेगा, एयर इसमें से आना चाहेगा, और अगर फूड को आना है तो फूड इधर से आएगा, वो इधर से आएगा। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये ढक्कन खुला हुआ है तो फिर ये जो फूड है वो ओसोफैगस में आकर के ट्रैकिया में जा सकता है, क्योंकि दोनों पोर्स यहाँ पर एक दूसरे के जस्ट पैरल सेम हाइट पर होते हैं। ऐसी कंडीशन में फूड ओसोफैगस में एंटर करने के बजाय कहाँ पहुँच सकता है, ये सीधे आपके ट्रैकिया में भी जा सकता है। इसलिए क्या होता है कि ये जो ढक्कन होता है इसका, यहाँ पर होता ये है कि जिस समय आप भोजन को निगल रहे होते हैं तो जैसे ये आपके ट्रैकिया की ओपनिंग है और ये हमारा ये ढक्कन है, तो इन दोनों के बीच में पहले तो गैप होता है। क्यों गैप होता है, क्योंकि एयर पास होनी है, जैसे एयर पास होनी, लेकिन अगर फूड पास होना है तो होता क्या है कि एपिग्लॉटिस तो अपनी जगह पर है लेकिन ट्रैकिया थोड़ा राइज करता है, ऐसे एपिग्लॉटिस अपनी जगह पर और ट्रैकिया हल्का सा राइज करेगा, और जब ये राइज करेगा तो दिस विल कम्स ऑटोमेटिकली इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद एपिग्लॉटिस, और जब ये एपिग्लॉटिस के कॉन्टैक्ट में आएगा तो ये ढक्कन अपने आप क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इट इज द काइंड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। कब ऐसा होता है, जिस समय आप भोजन को निगल रहे होते हैं, ड्यूरिंग द स्वॉलोइंग प्रोसेस, डेग्लूटिशन प्रोसेस, when you are taking food in the trachea, your air pipe uplifted so as
टू मेक्स इट्स क्लोज कॉन्टैक्ट विद द एपिग्लॉटिस टू क्लोज द ओपनिंग फॉर फूड। तो इस तरीके से भोजन इसमें नहीं जा पाएगा, ये खुला तभी रहता है जब आप सांस लेते हैं। अब अगर आप खाना खा रहे हैं और सांस दोनों एक साथ ले रहे हैं उस समय आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज आपका ये जो नर्वस सिस्टम है, जो रिफ्लेक्स एक्शन है, ये आपकी इस एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा। और जब कोऑर्डिनेशन फेल होगा तो जहाँ आपका फूड जाना चाहिए वहाँ ना जा करके फूड कहाँ पहुँच गया, ट्रेकिया में पहुँच गया, और आपको जोर की खांसी आएगी। अब ये जो कफिंग होता है, आप जानते हैं कि नर्वस सिस्टम में कफिंग खांसी आना ये भी एक प्रकार का रिफ्लेक्स एक्शन होता है, और आपको खांसी तब तक आएगी जब तक भोजन का वो टुकड़ा आपके मुंह से या नाक से निकल कर बाहर नहीं चला जाएगा। इसलिए आपको हमेशा बड़े बूढ़े लोग घर में बताते हैं कि पहले खाना खा लो फिर आपस में बात करो, क्योंकि बात करते समय आप क्या करते हैं, इंस्पायरेशन कर रहे होते हैं। जब जिस समय आप बात करते हैं उस समय आप ब्रीथिंग इन कर रहे होते हैं, सांस अंदर जा रही होती है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि हवा के साथ साथ भोजन पेपर भी चले जाएंगे। तो इसीलिए आपके जो माँ बाप होते हैं या घर में कोई बड़े बूढ़े होते हैं वो बोलते हैं कि बच्चा खाना खा लो फिर बात करो, क्योंकि बात करते समय क्या हो जाएगा, खाना आपके फेफड़े पर पहुँच जाएगा। समझ गए होंगे सारी बात, मज़ा आ गया होगा कि वाह क्या बात है, क्या डिज़ाइन है। अब इसके बाद आपका भोजन जब इधर से ये रास्ता बंद हो गया तो फिर उसकी बदबू ही तो किधर जाएगा, वो गले से होकर के उसको पैदा से अब फूड क्या होगा, फूड जो है अब वो नीचे की तरफ पास होगा, राइट। यहाँ पर जो बातें आपने फेरिंग्स के बारे में लिखा था वही यहाँ पर भी लिखेंगे कि जो फूड पाइप है इसका जो वाल सरफेस होता है, इनर सरफेस, इसके एपिथेलियम में किसी भी प्रकार के डाइजेस्टिव जूस को सेक्रेट करने की व्यवस्था नहीं होती है। नो डाइजेस्टिव जूस सेक्रीटेड फ्रॉम ओसोफेगस, नो डाइजेशन एंड नो एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड मटेरियल, इट इज ओनली द सेफ पैसेज फॉर द फूड टू स्टमक। यस यू कैन राइट हियर, यू कैन राइट नो डाइजेस्टिव जूस, कहां से, इन ओसोफेगस। दूसरा पॉइंट क्या है, नो डाइजेशन नो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, तीसरा पॉइंट क्या है, ये लॉन्गेस्ट होती है, लॉन्गेस्ट ओसोफेगस इन लॉन्गेस्ट मेम, ऐसे एनिमल्स जिनकी गर्दन लंबी होती है उनमें ओसोफेगस लंबा होता है। क्यों, क्योंकि ओसोफेगस जो होता है, डाइट स्टार्ट्स फ्रॉम योर फेरिंग्स, runs completely into the neck region and completely into the thorax region, penetrates the diaphragm to attend the stomach। यानी कि इसकी जो लंबाई होती है वो गर्दन की लंबाई पर निर्भर करती है, ठीक है। और आपको मालूम है कि longest neck जिराफ में होती है, किसमें होती है, longest neck found in giraffe, therefore longest ओसोफेगस found in giraffe। इस पॉइंट को मेंशन कर देंगे, सबसे लंबी गर्दन किसमें होती है, वो जिराफ में होती है, क्योंकि उसकी गर्दन ओसोफेगस की बात कर रहा हूँ कि सबसे लंबी गर्दन जिराफ में है, तो सबसे लंबी जो नेक होगी वो कहाँ पर पाई जाएगी, वो जिराफ में पाई जाएगी, ठीक है। ये कहाँ कहाँ रन करता है, ओसोफेगस स्टार्ट्स ये नेक रीजन में होगा, नेक से होकर के थोरैक्स कंप्लीट एंड देन स्टमच, तब ये स्टमच में पहुँचता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके गर्दन में और सीने में पूरी तरह से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की जो ट्यूब होती है वो ओसोफेगस, ठीक है। बड़े डायग्राम में आप समझ जाएंगे, अभी हम आपको बड़ा डायग्राम बताने चल रहे हैं, क्योंकि ओसोफेगस आगे चल करके स्टमक को अटेंड करता है, राइट। यहाँ तक की बात समझ में आ गई है, ओसोफेगस में हमने सारी बातें आपको बता दिया है, उसकी ओपनिंग जो की बक्कल कैविटी में थायरिक्स में होती है उसको हम गलेट कहते हैं। ओसोफेगस स्टार्ट फ्रॉम थायरिंग्स, रन्स थ्रू आउट द नेक, थ्रू आउट द थोरेसिक कैविटी, पेनिट्रेट्स द डायाफ्राम टू अटेंड द स्टमच।
देयरफॉर लॉन्गेस्ट द नेक लॉन्गेस्ट विल बी द मुसोफैगस एंड द एग्जांपल इज जिराफ। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। इतनी सारी बात समझाने के बाद ये पॉइंट आपको मेंशन जरूर कर लेना है कि नो डाइजेशन, नो एब्जॉर्प्शन, नो सेक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, ओनली म्यूकस। म्यूकस लब्रिकेट द वॉल सरफेस ऑफ मुसोफैगस फॉर द सेफ पैसेज ऑफ फूड। कभी कभी भोजन आपके गले में अटकता है, फिर आप पानी पी करके उसका सहारा लेते हैं। जब भोजन बहुत ड्राई होता है, सूखी रोटी आप निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये होगा कि आप सारा म्यूकस एब्जॉर्ब करके भोजन टाइट हो जाएगा, फिर आपके गले से नीचे उतरेगा नहीं। इसीलिए कहते हैं कि सूखा भोजन कहाँ से गले उतरेगा, तो सूखा भोजन उतारने के लिए क्या है, पानी पीना पड़ता फिर आपको, है कि नहीं, आपने इसका अनुभव किया होगा। तो इस प्रकार से डाइजेस्टिव सिस्टम का ये पार्ट भी कम्प्लीट हो गया ओसोफैगस। अब हम बड़े डायग्राम में देखेंगे कि हमारा ओसोफैगस हमारे स्टमक से किस प्रकार का संबंध रखता है, राइट। आइए देखते हैं। Is the stomach, and now here small intestine arises, and this part of small intestine known as duodenum. This part is known as jejunum, and this part is known as ileum. This one is the transverse colon. Come.
वर्मीफॉर्म, अपेंडिक्स, इडियोसीकल वाल, दिस वन इज एसेंडिंग कोरोना ट्रांसवर्स, एसेंडिंग कोलोन, दिस वन इज ट्रांसवर्स कोलोन, दिस वन इज डिसेंडिंग कोलोन, दिस वन इज सिग्मोइडल कोलोन, दिस वन इज रेक्टम, एनल कैनाल, एंड दिस वन इज एनस। वन स्ट्रक्चर फाउंड हियर, दिस लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस वन इज नोन एज पैंक्रियास। This one the pharynx, you can write here, this one is Nephyto Pancreatic Duct, this one is Ampulla, this one is Gall Bladder, this one is Common Bile Duct, this one is Common Hepatic Duct, this one is Cystic Duct. Right, and this one is left liver. This one is LHT. Cardiac. This sphincter. This one is pylori, is sphincter, pancreas, this one is pancreatic duct. Digested हो गया, हम इसको अभी कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल स्टार्टिंग फ्रॉम ओसोफेगस अप टू द एनस, ये यहाँ पे हमने आपको दिखाया डायग्राम में। इस तरह से अगर आप देखें तो पूरा हमारा ये एलिमेंट्री कैनाल है जिसे हम आपको यहाँ पर डायग्राम से दिखा रहे हैं, ओसोफेगस से स्टार्ट होता है। अब आपको मालूम है कि ये हमारे गर्दन से चलेगी क्यों, ट्रैकिया के पीछे पीछे गर्दन से पास होकर के थोरेसिक कैविटी में आएगी। अब आपको मालूम है कि जितने भी मैमल्स होते हैं उनमें थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में एक पार्टीशन वाल होती है, एंड दैट पार्टीशन वाल इज नोन एज व्हाट, डायाफ्राम। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल मैमल्स, द डायाफ्राम दैट इज ऑफ अ काइंड ऑफ पार्टिक्सल वाल बिटवीन द थोरैक्स एंड एब्डोमिनल कैविटी। तो चेस्ट की जो कैविटी है उसको हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं,
और जो एब्डोमेन की कैविटी होती है उसको हम एब्डोमिनल कैविटी, इन दोनों के बीच में डायाफ्राम स्थित होता है। डायाफ्राम में छेद बना करके ओसोफेगस स्टमच तक पहुंच जाता है। जिस पॉइंट पर ये छेद बनाता है दैट पॉइंट इज नोन एज फेगस, दिस पॉइंट इज नोन एज फेगस। द ओसोफेगस पेनिट्रेट्स डायाफ्राम एट द पॉइंट इज नोन एज फेगस, और यहाँ से पेनिट्रेट करके फिर ये जो ओसोफेगस है ये हमारे एलिफेंट्री कैनाल के सबसे बड़े स्पेसियस चैम्बर में ओपन होता है एंड दैट चैम्बर इज नोन एज स्टमच। द एंट्री पॉइंट इज कार्डिया पार्ट ऑफ स्टमच, राइट। ओसोफेगस तो हम बता चुके थे, स्टमच से हम स्टार्ट करेंगे। अब इतना केवल इस डायग्राम में बताना था कि ओसोफेगस स्टमच के जिस पॉइंट पर कॉन्टैक्ट करता है, ओपन होता है, उस पॉइंट को हम कार्डिया कहते हैं। यानी कि यहाँ से अब हमको स्टमच पर पहुँचना है, तो जो पॉइंट है डायाफ्राम का जहाँ पर ओसोफेगस पेनिट्रेट करके डायाफ्राम को स्टमच तक पहुँचता है दैट पॉइंट इज नोन एज हायटस, आपके सामने लिखा गया है। ये राइट साइड का हम डायग्राम अब मिटाएंगे तो यहाँ पर लिखा रहेगा। Now you can write here that ओसोफेगस penetrates the diaphragm at the point hiatus. Joins the stomach at its cardia part. Cardia part stomach का होता है जिसमें उसको फेटस ओपन होता है and the opening is guarded by guarded by cardiac sphincter. Cardiac sphincter. इसकी ओपनिंग को गार्ड करने के लिए यहाँ पर कार्डियक स्पिंटर पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पर होता है? आपका ओसोफेगस स्टमच पार्ट के कार्डिया पार्ट में होकर होता है एंड द ओपनिंग इज गार्डेड बाई अ स्मूथ मसल जो कि स्फेरिकल होती है और इसका एक्शन जो होता है वो ऑटोनॉमस होता है। ये है, जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ओपनिंग बंद हो जाती है, जब रिलैक्स होती है तो ओपनिंग खुल जाती है। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ये जो कार्डियक स्टमच है, कार्डियक स्फिंक्टर है, ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो छेद बंद हो जाएगा, फिर ये रिलैक्स होगी तो छेद खुल जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, लेकिन इसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पर आपके विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं होता। यानी कि ये स्पॉन्टेनियस वर्किंग मसल होती है, ऑटोनॉमस मसल होती है, इनवॉलेंट्री मसल होती है, स्मूथ मसल होती है, इसको आप नॉन स्केलेटल मसल कहते हैं। कौन? कार्डियक स्फिंक्टर। तो इस प्रकार से यहाँ पर ओसोफेगस और स्टमच इन दोनों के बीच में ओपनिंग को गार्ड करने वाली जो मसल है स्फेरिकल मसल दैट इज एक्चुअली नोन एज कार्डियक स्फिंक्टर। ये चाहे तो भोजन ओसोफेगस से स्टमच में आएगा और अगर चाहे तो भोजन नहीं आएगा। ये इस पर डिपेंड करता है कि स्टमच एम्प्टी है या नहीं है। अगर स्टमच एम्प्टी है, खाली है, तो फिर कार्डियक स्फिंक्टर ओपन रहेगा और ओसोफेगस से भोजन नीचे आ सकता है। ऐसा नहीं होता कि आपको कोई भी भोजन बहुत स्वादिष्ट लग रहा है तो आप फूस फूस के खा लेंगे भले ही स्टमच में जगह ना हो, ऐसा नहीं होता। स्फिंक्टर बंद हो जाएगा, आप नहीं खा सकते। फिर भी जबरदस्ती करेंगे तो वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी, रिवर्स पेरिस्टाल्सिस। हम आपको आगे पढ़ाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि साहब इतना खा लिया उल्टी कर लिया ना, जो दरिद्र लोग होते हैं कोई भोजन बहुत अच्छा लग गया तो चुप के खा लिया है, स्टमच में जगह ही नहीं है तो कार्डियक स्फिंक्टर आपका रुकता है। दिस डज नॉट परमिट एक्सेस एंट्री ऑफ फूड इनटू द स्टमच इफ इट इज ऑलरेडी फुल। तो अगर ये पूरी तरह भरा हुआ है तो भोजन यहाँ से आगे पास नहीं होगा। तो कार्डियक स्फिंक्टर जो होता है ये
ऑटोनॉमस होता है, इनवॉलेंट्री एक्शन इसका होता है, और इसकी मसल जो होती है वो स्मूथ वॉल स्मूथ मसल होती है। इतनी बात समझ आ गई होगी कार्डियक स्ट्रक्चर के बारे में। कम एंड सी व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कनेक्शन। स्टमक लार्जेस्ट चैम्बर होता है, लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ एलिमेंट्री पैमा जे शेप होता है। लोकेटेड बिलो डायाफ्राम ऑन द लेफ्ट साइड थ्री पार्ट्स कार्डिया फंडस पाइलोरस इसके पार्ट इस तरह से कार्डिया पार्ट फंडस पार्ट एंड पाइलोरस पार्ट। ये बात हम ह्यूमन बींग की कर रहे हैं। जब आप कैटल्स की बात करेंगे जो कि हर्बीवोरस होते हैं उनके स्टमच में स्पेसियस अलग अलग चैम्बर होते हैं जिनके नाम होते हैं रेटिकुलम ओमैसम एबोमैसम रूमेन। जितने भी रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं सेलुलर डाइजेशन के लिए जिनमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं रूमिनेंट बैक्टीरिया होते हैं। आपको मालूम है मेथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं जिनको मेथेनोजेन कहा जाता है। आर्कियो बैक्टीरिया होते हैं, आर्कियो बैक्टीरिया पाए जाते हैं कहाँ पर गाय भैंस इन सबके स्टमच में जो रूमेन पार्ट होता है, इसलिए उनको ऐसे एनिमल को रूमिनेंट एनिमल्स कहा जाता है। रूमिनेंट एनिमल्स मीन्स स्पेशल चैम्बर इन द स्टमच, इट इज द एडिशनल चैम्बर। तो चार एडिशनल चैम्बर में बटा होता है स्टमच किसका, जितने भी कैटल्स होते हैं रूमेन रेटिकुलम रूमेन एबोमैसम ओमैसम एंड रेटिकुलम। तो इस प्रकार से जो है ये आप देख रहे हैं हमारे में ह्यूमन बींग में क्या होता है, कार्डिया होता है फंडस होता है और पाइलोरस होता है। ये तीन पार्ट पाए जाते हैं ह्यूमन का आपको याद रखना है। ओमैसम एबोमैसम रूमेन इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हम लोगों में नहीं पाए जाते, ये केवल कैटल्स कि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उस पर कार्डिया फंडस एंड पाइलोरस। अब आपका जो स्टमच होता है दैट कम्स एंड ओपन्स ओसोफेगस दैट कम्स एंड ओपन्स थ्रू द कार्डिया पार्ट ऑफ स्टमच एंड द ओपनिंग इज गार्डेड बाय व्हाट, ओपनिंग इज गार्डेड बाय द कार्डियक स्ट्रक्चर। आपका जो स्टमच होता है ये कर्व्ड होता है, तो स्टमच का जो ये वाला पार्ट होता है जो बाहरी पार्ट है इसको डायग्राम से इस तरह देखें पार्ट को अगर हम देखें और इसे देखें तो यहाँ पर ये कर्वेचर बन रहा है ऐसे कर्वेचर, ये इस साइड का जो पार्ट है ये लेसर कर्वेचर है एंड दिस पार्ट इज ग्रेटर कर्वेचर। ये बाहरी पार्ट एक्सटर्नल ग्रेटर कर्वेचर और इनर जो होता है ये लेसर कर्वेचर, यहाँ पर कार्डियक स्फिंक्टर है और इस पॉइंट पर पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, क्योंकि स्टमच की ओपनिंग जो डियोडिनम में होती है तो इसकी ओपनिंग को भी गार्ड करने के लिए यहाँ पर स्फिंक्टर लगा होता है एंड दिस स्फिंक्टर इज नोन एज पाइलोरिक स्फिंक्टर राइट। तो एंट्री और एग्जिट दोनों पॉइंट पर स्टमच में स्फिंक्टर होते हैं। फूड यहाँ पर 4 से 6 घंटे के लिए स्टे करता है, यानी कि भोजन के स्टोरेज का सबसे बड़ा जो ग्राउंड होता है वो स्टमच होता है। यहाँ से आगे जो ट्यूब होती है स्मॉल इंटेस्टाइन वो सकरी होती है, इसलिए यहाँ से भोजन सकरी गली में धीरे धीरे पास करता है ताकि बेटर मिक्सिंग एंजाइम की हो सके और प्रॉपर डाइजेशन इंश्योर किया जा सके। तो
इस प्रकार का अरेंजमेंट यहाँ पर पाया जाता है, राइट, यू कैन सी है। तो इस तरह से फूड का एंट्री और एग्जिट दोनों तो होता है, ये सकता होता है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा हुआ होता है, स्क्रीन का लगा होता है। अब यहाँ से फूड धीरे धीरे पास होता है और यहाँ पर क्लैरिटी ऑफ द फूड मैक्सिमम फूड जो होता है यहाँ पर स्टोर होता है, और भोजन के स्टोर करने का जो ड्यूरेशन होता है इट इज 4 to 6 hour ड्यूरेशन, राइट। स्टमच में गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन होता है। हम आपको जब इसके वाल की हिस्टोलॉजी बनाएंगे तो गैस्ट्रिक जूस बताएंगे कि क्या क्या होता है उसमें, क्या क्या चीज़ें पाएंगे, ठीक है। स्टमच के बारे में आपको समझ में आ गया, कहाँ स्थित होता है, बिलो द डायाफ्राम ऑन द लेफ्ट साइड, इट इज जे शेप, आउटर पार्ट ग्रेटर कर्वेचर, इनर पार्ट लेसर कर्वेचर इसका होता है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर स्प्रिंकल्स पाए जाते हैं। कार्डिया पार्ट इसका कहाँ पर पाया जाता है, दिस वन इज अ कार्डिया पार्ट, हम इसको सी से निकालते हैं, दिस वन इज मंडस पार्ट एफ से निकालते हैं, एंड दिस वन इज पाइलोरस पार्ट। अब फूड का जो मूवमेंट होता है वो इधर से आना होता है भोजन पर, कार्डिया में आएगा, यहाँ से फूड मंडस पार्ट में, और यहाँ से पाइलोरस, और यहाँ से आगे निकल जाएगा और डियोडिनम में प्रवेश करेगा। ये बात सब समझ में आ गई आपको। यहाँ पर कुछ जो एप्लीकेशन दिखाए गए हैं इस डायग्राम का मतलब आप पूरा समझ लीजिए, क्योंकि आगे से अब हम अलग अलग इसके पार्ट में डायग्राम दिखाएंगे। ये लीवर है जो डायग्राम के जस्ट नीचे राइट साइड पर स्थित है, इसमें दो लोब होते हैं, एक बड़ा लोब होता है जिसको राइट लोब ऑफ लीवर कहते हैं, दूसरा छोटा होता है जिसको हम लेफ्ट लोब ऑफ लीवर कहते हैं। लीवर का काम होता है बाइल का सेक्रेशन करना, और बाइल यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक नली से जिसको हम हिपेटिक डक्ट कहते हैं। ये राइट हिपेटिक डक्ट होता है RHD, और ये होता है लेफ्ट हिपेटिक डक्ट LHD। ये दोनों आगे चल करके मिल जाते हैं तो कॉमन हिपेटिक डक्ट बनता है CHD। ये आगे चल करके बाइल यहाँ पर स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, इस पर हम चर्चा आगे करेंगे। लेकिन यहाँ से जो पैसेज होता है नली होती है गॉल ब्लैडर की, नली को सिस्टिक डक्ट कहते हैं। यहाँ पर बाइल काफ़ी समय तक स्टोर रहता है, एक्सेस में जो वाटर होता है एब्जॉर्ब करके इसको कंसनट्रेट किया जाता है, और गाढ़ा बाइल यहाँ से आगे चलेगा जिस नली से, उसका नाम कॉमन बाइल डक्ट है। रास्ते में ये रिसीव करेगा पैंक्रियाज की डक्ट को, पैंक्रियाटिक डक्ट यहाँ लिखा गया है, पैंक्रियाटिक डक्ट जब इसमें ओपन होता है एम्पुला हो जाता है, एम्पुला से आगे अब नली जो चलेगी इसको हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, HPD स्टैंड फॉर हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। पैंक्रियाटिक डक्ट ड्यूओडेनम में ओपन होता है, और ड्यूओडेनम में जब ये ओपन होता है तो इस ओपनिंग पॉइंट पर भी जो है क्या होता है, यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर पाया जाता है। तो आज के इस लेक्चर में केवल इतना ही, अपने अगले लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे आगे। थैंक यू।